दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ग्रहण काल से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि काफी लोगों ने हमसे ईमेल में, कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इस समय में कौन से जाप उन्हें करने चाहिए, किस तरह की साधना वो कर सकते हैं, या फिर मंत्रों को एनर्जाइज करने के लिए इस समय का उपयोग किया जा सकता है या फिर नहीं। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण है। ग्रहण काल वाला समय बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। यह सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि काफी और भी जगह इसको अशुभ ही माना जाता है। इस समय किसी भी प्रकार की साधनाएं नहीं करी जाती हैं, ना ही कोई वंशीकरण जाप किया जाता है और ना ही किसी मंत्र को एनर्जाइज किया जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं, बल्कि इन ग्रहण वाले समय पर ही सबसे ज्यादा सुनामी, भूकंप वगैरह आते हैं, क्योंकि ग्रहण काल की वजह से ही गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बल्कि नेगेटिव एनर्जी इस समय में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो इस समय में किसी भी तरह की साधना नहीं करनी चाहिए। बल्कि चंद्र ग्रहण में भी साधनाएं होती हैं, लेकिन वो एडवांस साधनाएं होती हैं जिनको ग्रस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ग्रहण काल में सबसे ज्यादा तंत्र प्रयोग होते हैं, लेकिन ग्रस्त जीवन जीने वालों के लिए ग्रहण काल सबसे ज्यादा अशुभ होता है। और इसी के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि आप ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अशुभ प्रभाव से आपको बचना चाहिए। काफी लोगों ने हमसे पूछा था कमेंट बॉक्स में, ईमेल कर कि इस समय में कौन सी साधना होती है। तो दोस्तों, इस समय में कोई भी साधना नहीं होती है और ना ही की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना की जाती है वह जब ही करी जाती है या तो सूर्य पूरी अपनी पोजीशन में हो या फिर मून अपनी पूरी पोजीशन में हो। इसीलिए पूर्णिमा पर ज्यादा साधनाएं की जाती हैं, लेकिन इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है, तो उस समय में आप कोई भी जाप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही टाइम का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का समय 26 जुलाई रात को 11 बजे से शुरू होकर 28 जुलाई को ही रात के 1 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो इस समय में आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रहण काल वाले समय का ही ध्यान रखना है। ग्रहण काल वाला समय पूरा दिन नहीं होता है, सिर्फ 3-4 घंटे का यह ग्रहण पड़ने वाला है। सिर्फ उसी समय में आपको इसके अशुभ प्रभाव से बचना चाहिए। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि पूरा दिन ही उन्हें खाना नहीं खाना है या फिर बहुत सी चीजों का उन्हें ध्यान रखना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यह ग्रहण काल सिर्फ रात को 11:50 से शुरू होकर सुबह के 3:55 तक रहने वाला है। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन 3-4 घंटों में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान जरूर रखनी चाहिए, जो हमने अपने पहले वीडियोस में आपको बताई हैं। 27 जुलाई को ही पूरा दिन पूर्णिमा भी है, तो आप इस समय में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल शुरू होने पर यह पूर्णिमा बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सिर्फ समय का ही आपको ध्यान रखना है। जब ग्रहण काल शुरू होगा तो पूर्णिमा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नहीं तो 27 जुलाई वाले दिन ही पूरा दिन पूर्णिमा है। इसीलिए बातों को सही से समझकर समय का ध्यान रखें, और यह समय 26 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। 11:30 से ही रात को गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 26 तारीख से, और यह 27 जुलाई की ही रात को 12:00 बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ग्रहण काल शुरू हो रहा है, तो आपको उस समय में बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन आप कौन सी महत्वपूर्ण चीजें कर सकते हैं जिससे आपको फायदा मिले। इस दिन भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन गुरु ग्रह को स्ट्रांग बनाने के लिए यह दिन सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। गुरु ग्रह के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, किस्मत का ग्रह है और धन का ग्रह है। बल्कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है, उसके जीवन में उसे धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होते रहते हैं। बल्कि वे किसी भी तरह का व्यापार अगर करता है तो उसमें भी उसे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यह किस्मत का ग्रह है, धन का ग्रह है। बल्कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा आकर्षक होती है, और जहाँ भी वह जाता है सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है, उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वह खुद में ही रहने वाला व्यक्ति होता है।
यानी कि वो अपने अकेलेपन में भी खुश रहता है। गुरु ग्रह सभी ग्रह का गुरु है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भी सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। और गुरु ग्रह की कारक वस्तुएं होती हैं हल्दी, केले का पेड़, पीले फल, यह सभी गुरु ग्रह की कारक वस्तुएं होती हैं। जिन लोगों की शादी में सबसे ज्यादा बाधाएं आती हैं या फिर शादी के बाद भी खुश नहीं रह पाते हैं और अचानक से व्यापार में या फिर धन में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, तो उन्हें जरूर ही गुरु ग्रह को अपना मजबूत बनाना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको 27 जुलाई वाले दिन ही पूर्णिमा पर जो समय हमने आपको बताया है उसका आपको खास ध्यान रखना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके बहुत सारे दुश्मन भी हैं तो वह भी इस प्रयोग से दूर होते हैं, क्योंकि जो प्रयोग आज हम आपको बताएंगे यह महाविद्या वाला प्रयोग है, बगलामुखी प्रयोग है, जिससे मान सम्मान तो प्राप्त होता ही है बल्कि दुश्मन भी डर कर भाग जाते हैं और आपको अचानक से ही धन प्राप्ति के नए नए मार्ग मिलते हैं। तो दोस्तों आपको करना है कि सुबह के समय से शाम तक किसी भी समय सूरज डूबने तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको एक हल्दी की पूरी गांठ लेनी है, हल्दी की साबुत गांठ ही आपको लेनी है और एक पीला धागा लेना है जिसको आप दो बार लपेट कर अपने सीधे हाथ में बांध सकें। इतना ही बड़ा धागा आपको लेना है, बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं लेना है, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अब आपको उस हल्दी पर, उस गांठ पर इस धागे को लपेटते हुए ओम ह्लीम नमः मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुन लें दोस्तों, ओम ह्लीम नमः मंत्र आपको जाप करना है। 11 गांठ आपको उस पीले धागे में बांधनी है और 11 ही माला आपको इस मंत्र का जाप करना है। 11 माला यानी के 108 बार एक माला होती है, तो ऐसा आपको 11 माला इस मंत्र का जाप करना है और हल्दी पर लपेटते हुए ही आपको यह पूरा जाप 11 माला करना है। आप ध्यान से समझें, जब भी आप एक माला करेंगे तो उस समय तक उस धागे को उस हल्दी पर ही लपेट कर रखना है, लेकिन जब दूसरी माला शुरू करेंगे तो आपको वापस उस हल्दी पर से उस धागे को उतार लेना है और फिर से ही ऐसे ही हल्दी पर लपेटते हुए ही आपको मंत्र का जाप करना है। यह पूरा आपको 11 बार करना है, यानी कि 11 माला पूरा जाप करना है। या तो आप एकदम से ही उस मंत्र को बोलते हुए हल्दी पर इस धागे को लपेट सकते हैं और फिर इस हल्दी को ही अपने हाथ पर पकड़ते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरी माला शुरू करेंगे तो वापस उस धागे को खोलकर फिर से लपेटना शुरू करना है और इसी प्रकार आपको यह पूरा प्रयोग करना है। जब आपकी यह 11 माला पूरी खत्म हो जाती हैं, तब वापस आपको यह धागा नहीं खोलना है और उसी हल्दी पर यह पूरा धागा लिपटा रहने दें और इस हल्दी को आप अपने घर के ही मंदिर में माँ दुर्गा की तस्वीर के पीछे रख दें, या फिर अगर आपके घर के मंदिर में माँ काली की तस्वीर है, कोई फोटो है, तो आप उसके पीछे भी इस हल्दी को रख सकते हैं। महाकाली सभी महाविद्या की प्रमुख देवी हैं, तो आप ऐसे ही उनकी तस्वीर के पीछे इस हल्दी को रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में माँ काली की फोटो नहीं है तो आप माँ दुर्गा की फोटो के पीछे भी रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको 11 ही दिन इस हल्दी को वहीं रखे रखना है और 11 दिन के बाद यानी कि 12वें दिन आपको यह धागा खोलकर अपने हाथ में बांध लेना है और इस हल्दी को आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही रहने दे सकते हैं या फिर आप इसे अपने व्यापार स्थल में या तिजोरी में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इस हल्दी के पास आपको एक दो सिक्के जरूर रखने हैं, तो इसी प्रकार आप कहीं पर भी इस हल्दी को रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना है कि गंदी जगह पर नहीं रखना है, साफ जगह पर ही एक दो सिक्के के साथ आपको इसे रखना है। यह धागा और हल्दी पूरी तरह से एनर्जाइज्ड होगी। जो मंत्र का आपने जाप किया है यह बगलामुखी बीज मंत्र है और दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए ही बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है, बल्कि बगलामुखी प्रयोग से और भी कई अधिक लाभ मिलते हैं जो एडवांस हैं, लेकिन जो यह प्रयोग हमने आपको बताया है यह बड़ा ही सरल सा आसान प्रयोग है जिसके निश्चित ही कई गुना तक लाभ आपको मिलते हैं। इससे गुरु ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग बनता है, दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलता है, जो भी आपके बुराई करते हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ उल्टा बोलते हैं या आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश बनाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलता है, बल्कि जितनी भी साजिश वह बनाते हैं वह उसमें खुद ही फंस जाते हैं।
यह प्रयोग कुछ ही दिनों पर किए जाते हैं, कुछ खास दिनों पर, शक्तिशाली दिनों पर किए जाते हैं। तो इसीलिए हमने यह गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए बताया है। किस समय में आपको इसका फायदा उठाना है, इसका बिल्कुल खास ध्यान रखें, उसी समय में आप इस प्रयोग को जरूर करें। मंत्र बिल्कुल छोटा सा है, आप आसानी से 11 माला एक ही बार में बैठकर इसका जाप कर सकते हैं। जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके लिए यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली काम करता है। और जब तक उन्हें छुटकारा नहीं मिल जाता है अपनी मुसीबतों से, तब तक उनको यह हल्दी अपने पास ही रखनी चाहिए। बल्कि वापस एनर्जाइज करने के लिए आपको फिर से इसी मंत्र को पढ़ते हुए हल्दी को एनर्जाइज करना चाहिए, उस धागे को एनर्जाइज करना चाहिए। क्योंकि कुछ समय बाद जब आप चीजों को एनर्जाइज करते हैं, तो कुछ समय के बाद उनका असर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वापस एनर्जाइज किया जाता है, लेकिन यह सिर्फ खास दिनों पर ही किया जाता है। आप कभी भी किसी भी समय नहीं कर सकते हैं, तो खास समय पर ही, खास दिनों पर ही इनका आप भरपूर लाभ उठाया करें। इस बारे में हम हमेशा ही अपने चैनल पर बताते रहते हैं, तो जरूर इस प्रयोग को कर लाभ उठाएं। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई और समस्या है, तो दोस्तों जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले सही समय पर मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।